हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राकेश शाह फ्रॉम डॉक्टर राकेश फिजियोथेरेपी क्लिनिक खटौना। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैं अपने एक पेशेंट के बारे में जिनको रोड ट्रैफिक में एक्सीडेंट हो गया था और उसके हेड ऑफ ह्यूमरस बोन फ्रैक्चर हो गया था और रिस्ट के पास रेडियल बोन फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उसको जो है सो प्लास्टर हुआ था रिस्ट में भी और शोल्डर में भी, दोनों जगह प्लास्टर हुआ था। तो उसके बाद जो है सो प्लास्टर कटने के बाद, यानी कि जो 1.5-2 महीना के लिए प्लास्टर होता है, उसके बाद जो है सो उनका शोल्डर का मूवमेंट बिल्कुल लॉस हो गया, वो एक्टिव मूवमेंट बिल्कुल नहीं कर पाते थे और काफ़ी सारा पेन आ रहा था। कोई भी मतलब जो है सो वर्क करने में बहुत ज़्यादा पेन आता था, हाथ हिलाने में दर्द होता था। तो उस पेशेंट को मैंने फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट किया है, अब काफ़ी जो है सो बेहतर उसका रिजल्ट है। अब वो एक्टिव मूवमेंट भी कर पाते हैं और पैसिव तो मतलब कर ही लेते हैं। तो अब इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ दिखाऊंगा कि उनका कौन कौन सा एक्सरसाइज और कैसे कैसे करते हैं और क्या क्या करके उसका रेंज ऑफ मोशन और उनको शोल्डर का ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो में आगे देखते हैं कि क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं और क्या क्या करके इनको जो है सो शोल्डर का रिहैब किए हुए हैं। जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है एल्बो फ्लेक्शन एक्सरसाइज, जिसमें हम अपने बाईं हैंड से उसको रसिस्ट कर रहे हैं, उल्टा फोर्स लगा रहे हैं अपनी तरफ और पेशेंट को बोलते हैं कि वो अपने तरफ खींचे। अब जो नेक्स्ट है वो है एल्बो एक्सटेंशन एक्सरसाइज, जिसमें पीछे की तरफ से हम अपने हाथ से उसको सीधा करने से रोकेंगे और पेशेंट को बोलेंगे सीधा करने के लिए। यह एक्सरसाइज 10 से 15 रिपीटेशन 20 रिपीटेशन भी कर सकते हैं। इससे मसल्स वार्म अप भी होता है और आगे की एक्सरसाइज के लिए प्रिपरेशन भी होता है। और ये है हमारा शोल्डर फ्लेक्शन एक्सरसाइज, जिसको हमें बिल्कुल धीरे धीरे से ऊपर लेके जाना है और लास्ट टाइम पे जो है सो 5 to 10 सेकेंड का होल्ड देना है और धीरे धीरे रिलैक्स कर देना है, जिससे इसका रेंज खुलेगा। ये काफ़ी 100 डिग्री प्लस रेंज आ गया है, जो कि इनका लगभग 30 डिग्री में पेन आना पहले स्टार्ट हो जाता था, तो काफ़ी अच्छा रिकवरी हुआ है। और ये है अबडक्शन एक्सरसाइज, जिसके लिए हमें इस प्रकार से जो है सो पेशेंट को लेटा करके बाहरी तरफ इस प्रकार से ऊपर धीरे धीरे ले जाना है। इसका भी रेंज 90 डिग्री अबव है, 90 डिग्री प्लस है, और इसको भी एक वन हैंड टू सपोर्ट करना है ऊपर और पेशेंट को भी बोलना है कि खुद से भी ले चलिए और आपको पैसिव भी फोर्स लगाना है। ये सभी एक्सरसाइज एक्टिव असिस्टिव के फॉर्म में है और इस एक्सरसाइज को भी 10 से 15 मिनट ज़रूर करें और आराम आराम से पूरे ऊपर की तरफ ले जाने की पूर्ण प्रयास करेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है एक्सटर्नल रोटेशन एक्सरसाइज, जिसमें हम एल्बो को 90 डिग्री पे इस तरह से बैंड कर देंगे और पेशेंट को बोलेंगे अपनी हाथ को बाहरी तरफ ले जाए और एल्बो को वहीं पे मेंटेन रखे और आपको भी सपोर्ट करके ले जाना है। इसको भी 10 to 15 रिपीटेशन कर सकते हैं। ये है हमारा इंटरनल रोटेशन, जिसमें हम शोल्डर को 90 डिग्री अबडक्शन कर लेंगे और 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन कर लेंगे और इस तरह से आगे की तरफ बोलेंगे फोर्स लगाए और जहाँ तक पेन फ्री है लेके जाए। और ये है हमारा अगेन अबडक्शन एक्सरसाइज, जो हम लोग करवट लेटा के करते हैं, इसमें भी पेशेंट से खुद करवाते हैं और बोलते हैं कि ऊपर हाथ लेके जाइए और उसमें थेरेपिस्ट जो होते हैं उनको सपोर्ट करना होता है। इस एक्सरसाइज को जितना रेंज पेशेंट अवेलेबल है उतना लेके जाना चाहिए, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग भी देना चाहिए और 10 to 15 रिपीटेशन के लिए करना चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारा वो है एक्सटेंशन एक्सरसाइज। तो एक्सटेंशन एक्सरसाइज के लिए आपको पेशेंट को इस प्रकार से लेटा के हाथ को पीछे की तरफ लेके आना है और जहाँ तक इसको स्ट्रेचिंग फील होता है वहाँ तक लेके जाना है 10 to 15 रिपीटेशन के लिए। जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में सभी एक्सरसाइज एक्टिव असिस्टिव एक्सरसाइज के रूप में दिखाया गया है। तो इस तरह से अगर कंधा जाम है, चाहे वो फ्रैक्चर की बाद हो या सर्जरी के बाद हो या फ्रोजन शोल्डर की वजह से हो, तो आप बिल्कुल घर पे इस तरह से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से ऑनलाइन भी कंसल्ट करना है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ रहेगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।